चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिर। कहाँ रहते हैं? ये चौटसीपुरा। अच्छा बताओ, ये जो बारिश हुई है, बारिश के से पूरा ये मोहल्ला तालाब में तब्दील हो गया है, किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको? यहाँ खाने पीने की भी परेशानी है, मकान भी चटक गए हैं। हाँ। और बहुत ज्यादा परेशानी पड़ रही है, निकलने को किधर से रास्ता ना है। हाँ। अब निकल गए, मकान चटक गए, किधर निकले, कैसे निकले? हाँ। पानी में होकर बामुश्किल निकल ले। मकान में डूब गए कई? यहाँ पर कई मकान डूब गए और तमाम में पानी भरा पड़ा है मकान। क्या क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि पानी का निकास हो जा और सड़क पड़ जा। अच्छा ये बताओ, यहाँ तहसील की कोई टीम आई यहाँ पर? तहसील की टीम नहीं आई। लेखपाल साहब आए थे? लेखपाल साहब आई हुए हैं। आए हैं। अच्छा पहले भी। और क्या नाम है आपका? मुझे अजहर अली कहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? तुर्थीपुरी इलाके में, वार्ड नंबर 31, नगर पालिका क्षेत्र आता है जी। अच्छा ये जो जलभराव की स्थिति हुई है बारिश से, पूरा ये पूरा मोहल्ला डूबा पड़ा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको, क्या परेशानी है आपको? पानी में निकलने का रास्ता नहीं है, पानी भर बहुत गया है, 6-6 फीट पानी भर गया है। लोग गिर रहे हैं, खाने पीने की परेशानी हो रही है। खाने का सामान कैसे लाएं, कैसे जाएं, बच्चों को स्कूल कैसे छोड़े, लेकर कैसे आए, एग्जाम भी चल रहा है ऐसे में, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या क्या परेशानी हो रही है, किस तरह की दिक्कतें आ रही है? खाने का सामान नहीं आ पा रहा, किसी से मदद ले रहे हैं हम, तो कैसे कैसे निकल पा रहे हैं? रस्सियों से कोई बांधता है, फेंकता है, तो उस पर रस्सी पे लटका के खाना भेज रहे हैं। नाव का भी सहारा लेना? नाव का सहारा लिया, ट्यूब की वो चाली बांध के उस पर बैठ के लोगों को आने जाने का बनाया, लेकिन उससे भी काम नहीं चल पा रहा। ये दिक्कत का सामना पड़ रहा। अच्छा ये बताओ, यहाँ जैसे पूरा ये पूरा मोहल्ला डूबा हुआ, कितने परिवार ऐसे हैं, मकान ऐसे जो डूबे हुए हैं यहाँ पर? यहाँ पर कम से कम 40-50 घर तो हैं, पानी में हैं, लेकिन 15-16 घर वाले जा चुके हैं यहाँ से। क्यों? क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उनके बच्चों का स्कूल जाने का रास्ता नहीं है, पानी भरा हुआ। हाँ। गिरने का खतरा है, बच्चों के डूबने का खतरा है, तो घर छोड़ के जा चुके हैं। जी, कल एक बच्चा गिर गया था, वो मरते मरते बचा यहाँ पर। हाँ। एक महिला गिर गई थी। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? बस सड़क पड़ जाए, पानी की निकासी हो जाए यहाँ से। पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है कोई यहाँ पर? ना, पानी की निकासी का नहीं है। हसनपुर रोड में पुलिया थी बनी हुई, वो भी बंद हो गई, ताकि वो उस पुलिया से पास हो जाता था पानी, पहले इतना नहीं खड़ा होता था, लेकिन अब ज्यादा हो गया जब से वो पुलिया बनी है, खत्म हुई है। ठीक है। क्या नाम है आपका? सीमा। कहाँ रहती हैं? तुर्तीपुरा इलाका। अच्छा ये जो बरसात हुई है लगातार, किस तरह की परेशानी सामने आई है आपको? इसमें बहुत परेशानी आई है, तो खाने पीने की, बच्चों को स्कूल पहुँचाने की। हाँ। वो तो फिलहाल इस टाइम छुट्टी निकल गई, लेकिन बच्चों को बहुत परेशानी है ट्यूशन जाने की। अच्छा पूरी बस्ती पूरी ये पानी में डूबी पड़ी है ये? जी। तो क्या किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अब ये आने जाने का बहुत परेशानी है, तो कहीं निकल नहीं सकते, घरों में ताला लगा कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके हैं। हाँ। कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ से? 15-16 परिवार यहाँ से जा चुके हैं। किस वजह से गए? वो टेम्परेरी नाव बना रखी थी, एक ट्यूब बना के। हाँ। उससे पहुँचाया सबको, कल एक लेडी गिर भी गई थी उसमें। अच्छा तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं पानी की निकासी हो और रोड बने जल्दी। कोई सरकारी आदमी आए हैं? जी, लेखपाल साहब आए थे, कल भी आए थे और आज भी आए हैं। उसके अलावा कोई और आया? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। लेखपाल साहब कोई नहीं आया? नहीं।